Good morning friends, welcome to PD classes. Today a important session for those who are going for Punjabi teacher interview. और मुझे लगता है दोस्तों आज जो Punjabi teacher related technical round के बहुत से questions हम आपसे पूछेंगे और इस particular question interview के द्वारा हमारे उन students को benefit मिलेगा जो NVS, KVS, other institutes में Punjabi teacher बनने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं welcome करूँगा मैडम आपका. Thank you sir. मैडम आपका नाम बेंत कौर है. Yes sir. तो बेंत का meaning क्या होता है? Sir, boundless. Okay. मैडम आज बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस हैं और मेरे पास अनीता जी है, ये भी पंजाब टीचर के लिए ही है. Yes, sir. NVS में आपकी तरह तो ये yes, भी आपसे पंजाबी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे. Of course. पंजाबी में इतना सक्षम नहीं हूँ तो मैं ये क्वेश्चंस आपसे हिंदी में पूछूंगा, पर मेरे क्वेश्चंस पंजाबी रिलेटेड टेक्निकल राउंड की. सबसे पहले मुझे बताइए कि भाषा क्या है? हाँ जी, भाषा सर संचार का साधन है जिदे नाल असीं अपने मन दे हाव भाव एक दूजे नाल प्रगट करते हैं. हाँ जी सर. और भाषा कितने प्रकार की होती है मैडम? सर भाषा दो प्रकार की होंगी, मौखिक भाषा लिखित भाषा. मौखिक भाषा जिवें आप मैं तुहाडे नाल गल कर रही हाँ तो यह मौखिक भाषा गई, जे मैं तुहाडे नाल लिखती रूप से गल करूँगी तो मेरी लिखित भाषा होगी. ओके. जो भाषा सरकारी कामकाज या शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है मैडम? सर टकसाली भाषा. ओके. और पंजाबी में कितने स्वर है टोटल? तीन, ओड़ा आड़ा एड़ी. पंजाबी में लघु स्वर ध्वनियाँ कितनी हैं? तीन सर, अ ई उ. और दीर्घ स्वर की ध्वनियाँ? सर अ ई उ लघु स्वर है तीन और सत दीर्घ स्वर है. पंजाबी में कुल कितनी नासिक ध्वनियाँ? पांच सर. ओके. नैया नाना नन्ना मम्मा इया. ओके. और वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ होता अखर जन चिन्ह. ओके ओके. आप बठिंडा से हैं? यस सर. बठिंडा में क्या फेमस है मैडम? हाँ जी सर, एक तो मुबारक के किला. ओके. हाँ जी, वो फेमस है. एक एम्स अभी अभी हमने उत्थे स्थापित होया एम्स अस्पताल, जेड़ा कि लोगों को बहुत वधिया फैसिलिटी मिली है उत्थे. जेडे लोग चंडीगढ़ जाते दिल्ली जाते वड्डे वड्डे हस्पतालों उन्होंने बहुत वधिया सहूलत एम्स अस्पताल आया बठिंडा च, जेड़ा कि लोगों बहुत वधिया गल है. Okay. हाँ जी. और यहाँ पर अनीता जी, अनीता जी आप फतेहबाद से कौन से टाउन से बिलोंग करते हैं? टोहाना. किस लिए फेमस है? नहरों की नगरी के नाम से. नहरों की नगरी. मैडम आज आपको भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं टेक्निकल राउंड के. हाँ, तो प्लीज आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. हाँ जी मैम, छोटा पंजाबी जिवें साहित्य है उहदे विच कोई प्रमुख खेत्र होवे? हाँ जी. तुहानू वधिया लगदा होवे उहदे बारे? हाँ मैम, मैनूं भाई वीर सिंह जी वधिया लगदा जिहड़े पंजाबी साहित्य मौलिक कहे. हाँ जी मैम. हाँ जी मैम. लोक साइंस मैम अपने घोड़ियाँ सुहाग. हाँ जी बोलियाँ. घोड़ियाँ बारे गल की है जी, जिम्मे अपने गुरु साहब हो. हाँ जी. केड़े गुरु साहब ने घोड़ियाँ की काव्य रूप की रचना की है? गुरु रामदास जी ने. हाँ जी ठीक है. मैडम कोई घोड़ियाँ कोई सुनाई है कुछ? हाँ जी कुछ गा के बोल सुना सकते हो? हाँ जी हाँ जी जरूर सर. मैं मुंडे के विआह गाइया जाने वाली घोड़ियाँ उन्होंने गा के सुनाना चाहूँगी. लिपिया सवारिया चौंत राडे का फुलिया वे चीरे वालिया डेका फुलिया वे चीरे वालिया वीर जी नांदे नौकरी पैना फुलिया वे चीरे वालिया पैना फुलिया वे चीरे वालिया. वंडरफुल. चलिए पंजाबी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? हाँ जी अखर. ओके. और पंजाबी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? 39 शुद्ध व्यंजन. ओके. दूत अक्षर कितने हैं मैडम और कौन कौन से? हाँ जी सर, तीन, हा हा रारा वाहवा, जिन्होंने असं पैरस लिखते हैं उन्होंने दो अखर कहते हैं सर. और लखाकर कितने हैं इनके बारे में बताइए? हाँ जी तीन सर, बिंदी टिप्पी अदक. ओके. नाम कितने प्रकार के? नाम सर पांच प्रकार के होंगे. नाम आप किसी भी वस्तु जगह किसी नाम को आप नाम कहने सर. बिल्कुल. हाँ जी सर, जिमें मैं मेज मेरे को पिया होया तो ये भी नाम आ. ओके. हाँ जी सर, जे मैं कह मुंडा ये भी नाम आ. इन्हां दे अगे मैं प्रकार दसना चाहूँगी, पांच प्रकार होंगे आ. जिमें आम नाम किसी भी समुची जाति का जो तो बोध हों जिस तो सूँ असी आम नाम कहने, जिमें असी मुंडा कह के बुलाने वो सारे मुंडे मतलब कि संबोधित कर रहा है तो असं उन्होंने आम नाम से काउंट करेंगे सर. हाँ जी खास नाम जिमें मैं मैम का नाम लैके बुलाव, तो मनोज सर लैके नाम बुलाव तो खास परसन हो गए.
हाँ जी, खास जिमें मैं किसी भी जिमें श्री गंगानगर च आई हाँ तो मैं इनू खास नाम च होगा सर। हाँ जी सर, जे मैं शहर कहूँगी तो इनू आम नाम च काउंट करांगी। हाँ जी सर, एक अठवाचक नाम जिमें हम फौजियों का, बहुत सारे फौजियों आप फौज में आप कहने वो इकट्ठ होगा सर। हाँ जी, जी जमात कई अपने सारे विद्यार्थी आ उन्होंने आप जमात में भी इकट्ठवाचक नाम कहेंगे सर। जे एक विद्यार्थी है तो उन्होंने आप भी मतलब कि आम नाम च काउंट करांगे, लेकिन सारी क्लास है जी उन्होंने आपकट्ठवाचक नाम च। जो अपने बोलते हैं प्यार नफरत। हाँ जी सर, ये किस में आता है? सर भाववाचक नाम चाहता है। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहे हैं। चलिए, उड़ा के साथ कितनी मात्राएं लगती हैं? सर तीन। ओके, औंकर, दिलैंकड़, होड़ा। और पंजाब का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राज्य पक्षी बाज। ओके, पंजाबी के पहले सूफी कवि कौन से थे? सर बाबा फरीद, उन्होंने 112 श्लोक। वो बताइए कुछ श्लोक। हाँ जी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब 112 श्लोक प्लस 4 शब्द है सर। गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पीर से? हाँ मैडम, श्योर। 4 शब्द ने, उन्हां दे केड़े केड़े राग ने? हाँ जी, 2 राग आसा, दो राग सुही। गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पेज है मैडम? 1430 है। गुरु ग्रंथ साहिब में किस किस गुरु की वाणी है मैडम? हाँ जी सर, 6 गुरु साहिबान की वाणी है, उन्होंने मैं नावों का भी जिक्र करना चाहूँगी। हाँ जी सर, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी। और आपके जो गुरु जी है, जो 10 जो गुरु बोलते हैं, हाँ जी, उसको नंबरिंग में अगर देखते हैं फर्स्ट से तो बता सकते हैं आप? अच्छे से। हाँ जी सर, बताइए। श्री गुरु नानक देव जी। यस। श्री गुरु अंगद देव जी। ओके। श्री गुरु अमरदास जी। श्री गुरु रामदास जी। श्री गुरु अर्जन देव जी। ओके। श्री गुरु हरगोविंद जी। श्री गुरु हर राय जी। श्री गुरु हरकृष्ण जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ओके मैडम, पंजाबी सूबा कब बना था? हाँ जी, 1 नवंबर 1966। ओके, और पाकिस्तान पंजाब में कौन सी लिपि बोली जाती है? शाहमुखी। और पंजाब में? गुरमुखी लिपि। ओके, पंजाबी के पहले मौलिक कवि कौन से? भाई वीर सिंह। ओके मैडम, कोई बोली बता सकते हैं आप अच्छी सी, कोई जो आपकी फेवरेट हो? हाँ जी सर, बताइए। छन्ने उत्ते छन्ना छन्ना परे अज वेंदा, खड़के देख शकीना गिद्दा पैंदा मल वेंदा, खड़के वेख शकीना गिद्दा पैंदा मल वेंदा। प्रेरित कैसे हुए आप? सर कुछ है, मेरी मातृभाषा सर जी। हाँ जी, मैं बहुत मान है पंजाब दी होण दा। हाँ जी सर, तो मैं पंजाबी बोलना बहुत ज़्यादा पसंद करती हाँ, पंजाबी टीचर बनना चाहती हूँ सर। हाँ जी सर, शुरू तो मेरा एम ही है भी मैं पंजाबी टीचर बन के मैं आपके कल्चर भी अगे बधाऊंगी सर। सर मैं हर एक थान एडजस्टेबल हाँ, जिम्मे का भी माहौल मिलेगा मैं सर, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हर एक उदो ही घुल मिल जाती हूँ सर। हाँ जी, वंडरफुल। आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए? हाँ जी सर, एक्सपीरियंस एजुकेशन। यस यस सर, आई हैव सेवन इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स टीचिंग। यस सर। और आपकी एजुकेशन? यस सर, आई एम मास्टर्स इन पंजाबी एंड बीएड फ्रॉम पटियाला यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट पोजीशन। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ऑलमोस्ट द क्वेश्चंस हमने आपसे जो टेक्निकल राउंड के पूछे बहुत अच्छा है। अनीता, अगर आपको क्वेश्चन पुट अप करना चाहे तो प्लीज। यस। हाँ जी, तो थोड़ा जिमें अपने गल्प हो गया, गल्प च केड़ी वी दा पसंद है? हाँ जी, नावल ते कहानी, कहानी ज़्यादा पसंद है मैम मैनू। हाँ जी, ते पंजाबी दे केड़े कहानीकार नू पढ़ना ज़्यादा पसंद करदे? मैं कुलवंत विर्क नू ज़्यादा पसंद करदी हाँ, क्योंकि वह माणवादी कहानीकार आ। ठीक है, वह आम लोगों के जीवन मालवी के लोगों के जीवन उन्हें पेश किया मैम। हाँ जी, मैं कोई कहानी भी मतलब कि दस सकती हूँ, कोई भी कहानी उन्होंने। हाँ जी मैम, मैम जिमें उन्होंने खब्बल कहानी सी। हाँ जी, उद मैम उन्होंने मतलब कि जो 1947 की वंड हुई आ, तो उदों मतलब कि जोड़े लोग भी इधरों उधर जा वड़े, तो उन्होंने मतलब कि भी जोड़े सलूक होए तो वह कहें भी मतलब कि एक लड़की होंगी आ भी वह भी पाकिस्तान चली जाती पंजाब की भी जो उधर जाता गा, तो वह एक किसी मतलब कि जो अपने भारत का हों ड्यूटी इधर पाकिस्तान चली जाती आ भी उन्होंने चैक करना भी उधरों जोड़े इधर लेके आने बंदे, तो वह उस लेडी मिलने जाता, वह कहती भी ए करके मैनू कहती भी मेरी ननान ना मिला दे, कहती भी मैं तो हूँ कहती भी रही नहीं सिख नहीं रही
मतलब कि भी मैं तो भी इधरली हो चुकी हाँ भी मतलब कि भी इतों के लोगों ने मैं लुट लिया गा तो मैं भी पर एक मेरी ननान है कहती भी मैं वो लभ के दे मैं वह विह करना चाहनी हाँ तो भी मतलब कि वह यही भी मतलब खब्बल तो इस कहानी का सिट्टा यह निकलता सी भी चाहे आप मतलब कि किन्ना ही पट के बाहर सिट दी गई पर वो सांझ है जी अपनी खब्बल आ द्वारा मतलब कि उ उगद ही उगता गा भी जी मन च अपने होंगी आ इच्छा वो आप पूरी करनी चाहते हैं। हाँ जी मैडम मान लीजिए आपने जो नाव दसे तुसी हाँ जी सर और भी व्याकरण बड़ी होंगी अलग अलग जिम्मे नाव होंगे और की होंगे मैडम सर पढ़ना होंगे हाँ जी और मैडम विशेषण क्रिया विशेषण जिहड़े अपने नाम प्रणाम क्रिया विशेषण ने इन्हां नूं आपां की सदी विचारदे हां जिम्मे शब्दबोध हो गया अर्थबोध शब्दबोध मैम मैम के लिए आपको विशेषण समझाना है बच्चों को हाँ जी मैम और आपको डेमो देना है इसका हाँ जी तो आप बच्चों को विशेषण पर लेकर कैसे आएंगे हाँ जी सर मैं पूछूंगी बच्चे तुहाडे किहड़े कलर पाया होया गा वह पूछेंगे नीला ठीक है जी देखो तुसी वह ब्लैक बोर्ड का कलर किहड़ा वह कहेंगे ब्लैक काला ठीक है मैम फिर मैं कहूँगी भी मैं थोनों पतली लग रही हाँ कि मोटी लग रही हाँ समझ लो भी जहाँ आ बच्चा थोनों पतला लग रहा कि मोटा वो कहेंगे मैम कोई पतला कोई मोटा कुछ भी कहेंगे ठीक है फिर मैं उन्होंने इस टॉपिक से लेके आऊँगी मैं अच्छा थोड़ा विशेषण करा रही हाँ भी मतलब कि जो आप काला हो गया हाँ जी हाँ जी ये सारे विशेषण होंगे हाँ जी विशेषता दस दें हाँ जी गुणवाचक विशेषण जो असं किसी के गुणा की मतलब कि बारे दसते हाँ भी जिमें मैं कहनी वह बहुत सोहना है डेफिनेशन ठीक है एग्जाम्पल है मेरी भी वह बहुत सोहना है तो सोहना की आ ये गुणवाचक विशेषण है मैम हाँ जी संख्यावाचक विशेषण जो मैं किसी भी मतलब कि किसी चीज़ की गिनती दसूँगी भी मैं कहूँ मैं दस पेन चाहिए आ भी ज मेरे को दस पेन हैं तो दस की आ संख्यावाचक विशेषण मैम हाँ जी हाँ जी और टाइप्स में कुछ हाँ जी सर प्रणामवाचक विशेषण भी आप गिन नहीं सकते तो उन्होंने मैं प्रणामवाचक विशेषण कहूँगी मैम हाँ जी ओके मैडम आपको बच्चों को क्रिया सिखानी है पंजाबी में हाँ जी तो आप बच्चों को टॉपिक पर कैसे लेकर आएंगे हाँ जी सर जो मैं क्रिया करवानी हाँ तो मैं पहला कहूँगी भी आप चलन का वे भी किसी का हौली हों किसी किमें पहला मैं कहूँ बच्चों भी मतलब कि भी तुम सारे मैं ना तुर के दिखाओ भी आपदे आपदे ढंग वे नाल तुर के दिखाओ बिल्कुल हाँ जी तो जो तुरनगे तो फिर उस तो बाद मैं उन्होंने कहूँगी भी हाँ भी ठीक है भी बह जाओ फिर तुम लिख के दिखाओ हाँ जी तो जो लिख के लिखणगे तो मैं उन्होंने नोट करूँगी फिर मैं उन्होंने हौली हौली दस दिया भी अच्छा आप किरिया करना भी जो भी आप किसी का मेरा क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू अगर आप इंटरव्यूअर्स को बोलते हैं कि आप चलकर दिखाइए तो मुझे लगता है इट्स रॉन्ग हम इंटरव्यूअर को नहीं कह सकते कि आप खड़े होइए चल के दिखाइए तब आप कैसे लेकर आएंगे बच्चों को टॉपिक पर हाँ जी सर मैं सर कहूँगी क्योंकि स्कूल में तो आप कर सकते हैं बच्चों के साथ पर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को आप खड़ा करके उन्हें बोलेंगे चलिए तो पॉसिबल नहीं है मैं लिख रही हूँ सर फिर उन टॉपिक्स पर लेकर आप आएंगे आज हमारा टॉपिक है राइट ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चन से मैडम आपके रियली प्राउड ऑफ यू बहुत अच्छा थैंक यू सर थैंक यू